हाँ भाई बच्चों, राम राम भाई, सभी को वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो, आज जैसे टेस्ट लिया था हमने, तो कुछ बच्चों के डाउट आए हैं टेस्ट में कि सर, जो आपने एक क्वेश्चन दिया था मेमोरी यूनिट का, मेमोरी यूनिट को सीक्वेंस में लगाने का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में डाउट है कि सर, हमको GB TB PB तक तो याद रहते हैं, उसके बाद का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस एक्चुअली भूल जाते हैं कि या पहले जो है जेटा बाइट आएगा, मतलब या हमारे पास योटा बाइट आएगा, या इसी तरह से एग्जा आएगा या ब्रोंटो आएगा, तो सीक्वेंस याद नहीं रहता, ये कंफ्यूजन है बच्चों को। तो आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, एक स्टोरी के माध्यम से, फनी स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे कि क्या सीक्वेंस होता है, किस तरीके से हम मेमोरी यूनिट को, जो कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट है, उनका सीक्वेंस याद रख सकते हैं। एक्चुअली ये मेमोरी यूनिट का सीक्वेंस का क्वेश्चन खाली बेटा TGT PGT या 11th 12th में ही नहीं पूछा जाता, ये UGC नेट के भी प्रीवियस ईयर देख लो, उसमें भी पूछा हुआ है, ठीक है, जनरल फर्स्ट पार्ट के पेपर क्वेश्चन में आया हुआ है। तो इनका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हम एक स्टोरी समझेंगे, उसके थ्रू समझते हैं। एक समझ लो, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, जो लड़का है वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक निक नेम से बुलाता है, बाबू, ठीक है, और लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड को एक निकनेम दे रखा है बेबी। तो बाबू बेबी का सिस्टम चल रहा है, लेकिन बाबू बेबी के सिस्टम में क्या हुआ, एक बार बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया उनका। लड़ाई झगड़ा ज्यादा लेवल का हो गया, हाई लेवल का हो गया, बोल चाल बंद हो गई, लड़की रूठ गई, मतलब ठीक है, लड़का तो उसको मनाने की लाख कोशिश कर रहा, लेकिन वो नहीं मान रही है, लड़की रूठ गई है। तो अब लड़के ने क्या किया, एक गिफ्ट शॉप पे गया और कहा, भाई एक बहुत महंगा सा अच्छा सा गिफ्ट दो, कि उसको एक महंगा अच्छा सा गिफ्ट दे के मना लिया जाए। अब वो गया अपने गर्लफ्रेंड के पास उस गिफ्ट को लेके, और उसने उसको गिफ्ट दिया, लेकिन वो गुस्से में थी, उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, उसने उस गिफ्ट को भी लेके वहीं पे फेंक दिया और तोड़ दिया। अब गिफ्ट तोड़ने के बाद क्या हुआ, गिफ्ट तोड़ने के बाद जो है उसको, उसने इंग्लिश में खरी खोटी जम के सुनाई, ठीक है, और उसके बाद वहीं पर बैठ गई, ठीक है, उसके पास ही खूब सुना के। तो अब हम इस स्टोरी का जो सीक्वेंस है, जो बातें हैं, उसको हम एक सीक्वेंस में जोड़ेंगे, ठीक है। किस तरीके से जोड़ेंगे, देखो, जो हमारे पास बाबू थी, लड़की कौन थी, बाबू, लड़का कौन था, बेबी। तो बाबू ने क्या किया, बेबी का महंगा गिफ्ट तोड़ा, ठीक है, हम पहले ऐसे समझेंगे, बाबू ने बेबी का महंगा गिफ्ट तोड़ा, फिर इंग्लिश झाड़कर यहीं बैठ गई, ठीक है, बाबू ने बेबी का महंगा गिफ्ट तोड़ा, फिर इंग्लिश झाड़कर यहीं बैठ गई। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब, ठीक है, बाबू ने बेबी का महंगा गिफ्ट तोड़ा, फिर इंग्लिश झाड़कर यहीं बैठ गई, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ, इस सारी सीक्वेंस को। तो अब यहां पर मैं लिख लेता हूं, यही जो मैंने आपको स्टोरी बताई है कि बाबू ने बेबी का महंगा गिफ्ट तोड़ा, ठीक है, फिर हमने क्या कहा, फिर इंग्लिश झाड़कर यहीं बैठ गई, ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो देखो, बाबू मतलब शुरू का जो बाबू है, इस बाबू को हम बोलेंगे बिट, और ने को बोलेंगे निबल, यहाँ पे नेक्स्ट बी आएगा, ये हो जाएगा बाइट, ये हो जाएगा आपका किलोबाइट, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा मेगाबाइट। देखो बड़ा इजी हो गया आपको याद करना, ये हो गया गीगाबाइट, ठीक है, और यहाँ पर जो हो गया ये हो गया टेराबाइट, ठीक है, ये हो गया आपके पास पेटाबाइट, यहाँ पे एक्जाबाइट, ठीक है, ये हो गया आपके पास जेटाबाइट, ये हो गया आपके पास योटाबाइट, ये हो गया आपका ब्रोंटोबाइट, और जी मतलब हो गया जियो बाइट, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट का सीक्वेंस याद करना कितना, बाबू ने बेबी का महंगा गिफ्ट तोड़ा,
फिर PHIR भी होता है, फिर इंग्लिश झाड़कर, ठीक है, जेड से हमने झाड़कर कर लिया, ZHA DKR, झाड़कर यहीं बैठ गई, ठीक है भाई। ये इन दोनों में लड़ाई हुई, उनसे हमें फायदा हो गया, ठीक है, सीखने को मिल गया। तो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस को बिट का मतलब आप जानते ही हैं, बिट का मतलब होता है कोई भी बाइनरी डिजिट है हमारे पास, वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। निबल का मतलब होता है 4 बिट्स, बाइट का मतलब होता है हमारे पास 8 बिट्स, और उसके बाद तो 1024 बाइट्स हो जाएंगे, और यहाँ पे 1024 KB हो जाएंगे, यहाँ पर 1024 MB हो जाएंगे, यहाँ पर 1024 GB हो जाएंगे, फिर तो ऐसे ही चलेगा, 1024 TB हो जाएंगे, 1024 PB हो जाएंगे, 1024 EB हो जाएंगे, और यहाँ पर 1024 ZB हो जाएंगे, यहाँ पर 1024 YB हो जाएंगे, और यहाँ पर 1024 BB हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 1024 BB तक हो जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से आप इजीली सीक्वेंस याद रख सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले यार बता देंगे क्या, ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, कर दोगे ना आप तो, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर कर देना, जिससे सबको पता चल जाए, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे इसके बारे में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।